मामूली बात को लेकर एडवोकेट के घर में घुसकर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घटना गुरुवार रात 8 बजे की बताई जा रही है। फरियादी एडवोकेट की शिकायत पर पिछावर थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 294, 323, 456, 427, 506, 534 के तहत मामला कायम किया है। इछावर पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में निवासरत आटा चक्की संचालक और एडवोकेट शैलेश बड़ोदिया पिता प्रभु दयाल बड़ोदिया ने इछावर थाना पुलिस को बताया कि मोहल्ले में रहने वाले असामाजिक आवारा तत्वों को घर के ओटले पर बैठने से मना किया, जिसके बाद आरोपियों ने गुरुवार रात 8 बजे के दरमियान लाठी डंडे ईंट पत्थर और धारदार हथियारों से घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया। फरियादी एडवोकेट शैलेश बड़ोदिया के पैर में गंभीर चोट लगी है। बीच बचाव करने पहुंची सुशीला बाई विश्वकर्मा के साथ भी मारपीट की गई। फरियादी एडवोकेट श्री बड़ोदिया की माता आशा बाई के साथ भी मारपीट की गई। आरोपियों ने पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त कर दिया। ओटेले पर बैठने पर मना करने पर जान से मारने की धमकी भी आरोपियों के द्वारा दी गई। इछावर थाना पुलिस ने आरोपी मंटू वर्मा पिता गोपाल वर्मा, वीरेंद्र वर्मा पिता रामस्वरूप वर्मा, गज्जू वर्मा पिता प्रेम नारायण वर्मा, देवेंद्र वर्मा पिता किशोर वर्मा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। एडवोकेट शैलेश बड़ोदिया ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। बुला, 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 बु